के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ड से लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए आस्थावानों का उमड़ा रेला। गंगा स्नान के बाद दान पुण्य कर लोग बने पुण्य के भागी। मकर संक्रांति पर सोनारपुरा स्थित श्री गौरी केदारेश्वर महादेव का मनाया गया प्राकटोत्सव। मकर संक्रांति पर नमामि गंगे ने दुग्धाभिषेक कर संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण का दिया संदेश। और किशोरों के मेगा कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत। वितरित किया गया होम्योपैथिक दवा किट। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार को मकर संक्रांति पर्व पर आसमान में कोहरा के बाद भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। वर्ष के पहले त्यौहार मकर संक्रांति के दिन आसमान में कोहरा के बाद भी पर्व को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। शनिवार को सुबह धूप नहीं निकलने से अधिकतर लोगों ने नदी सरोवर में स्नान करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन साल के पहले त्यौहार को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल रहा। सुबह स्नान के बाद लोगों ने चावल, उड़द की दाल, लाई चूड़ा के साथ तिल का दान किया। उसके बाद दही चूड़ा का आनंद उठाया। पुरोहितों ने घर घर जाकर तिल, गुड़ और कच्ची खिचड़ी का दान लिया, तो वहीं बहुत से लोग ब्राह्मणों के घर तिल, गुड़, चूड़ा के साथ दक्षिणा लेकर पहुंचे। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भक्त भोर से ही गंगा के पावन घाटों पर पहुंच गए थे। मान्यता है कि आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन और विश्वास के साथ माँ गंगा का स्नान कर गरीबों को दान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। स्नान व दान दक्षिणा का महत्व भी इस दिन मानकर भक्तों ने अपने सामर्थ्य अनुसार गंगा स्नान कर दान दिया। मकर संक्रांति का स्नान है कल 8:49 पर। ये मकर संक्रांति मैंने मकर में प्रवेश किया है, इसलिए आज इसका महत्व माना गया है। और आज शनिवार का भी दिन है, हमारे काशीवासी आज इसी का मान्य कर रहे हैं और अन्य जगह भी खिचड़ी आज ही मान्य है। समाज सेवा सोसाइटी कमिश्नरेट वाराणसी के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गदौलिया चौराहा पर और गंगा घाट के आसपास लोगों को कोरोना काल में इस महामारी से बचने के लिए मास्क लगाने के लिए एवं 2 गज दूरी बनाए रखने के लिए दूर दराज से आए हुए एवं काशी की जनता को प्रेरित किया और क्षेत्रीय दुकानदारों से भी अपील किया कि आप स्वयं मास्क लगाएं, लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। सभी लोग मिल करके यहाँ शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं और जो है ये कोविड के जो है पालन करा रहे हैं, जो है सभी लोगों को मास्क वितरण किया जा रहा है। बच्चों और युवाओं ने जमकर पतंगबाजी की तो तथा एक दूसरे के घर पहुंच बधाइयां देते हुए रिश्तों में मिठास खोली। बाबा दरबार से लेकर गंगा और गंगा गोमती संगम तक आस्था दिन चढ़ने तक परवान चढ़ गई। मकर संक्रांति के पर्व के कारण शनिवार को सुबह से मंदिरों में भी भीड़ उमड़ी रही। दिन चढ़ने के साथ ही पतंगबाजी शुरू हो गई। रोचक बात रही कि पतंग को आसमान में पहुंचाने से ज्यादा ध्यान लोगों ने दूसरों की पतंग काटने में दिया। नमामि गंगे ने भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के पुण्य अवसर मकर संक्रांति पर दशाश्वमेध घाट पर दुग्धाभिषेक कर संस्कृति और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मकर संक्रांति पर दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे ने भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के पुण्य अवसर पर दुग्धाभिषेक कर संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया। जीवन में उल्लास और समरसता के संदेशवाहक मकर संक्रांति के पर्व पर सूर्यदेव और माँ गंगा की आरती उतारी गई। गंगा किनारे की साफ सफाई कर लाउड स्पीकर द्वारा लोगों से आह्वान किया गया कि वातावरण साफ स्वच्छ रहेगा तो स्वजन और समाज भी स्वच्छ रहेंगे। पर्यावरण के लिए हानिकारक सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने की सलाह देकर लोगों में कपड़े के झोले का वितरण किया गया। मकर संक्रांति के पर्व पर हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने व मास्क पहनने की अपील भी की गई। गंगा स्नान के लिए उपस्थित नागरिकों में मास्क का वितरण भी किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि हमारी भारतीय परंपराएं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हैं। हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार हैं वह सब प्रकृति के अनुरूप हैं। मकर संक्रांति पर्व प्रकृति संरक्षण का पुण्य स्मरण है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, महानगर सह संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, सत्यम जायसवाल, सरिता गुप्ता, रश्मि साहू, रेणु जायसवाल, सोनू, पूजा मौर्य, पंकज
अग्रणी आदि उपस्थित रहे। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल शर्मा ने सिगरा स्टेडियम स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। जिले में शनिवार से किशोरों के मेगा कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। इसी क्रम में मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल शर्मा ने सिगरा स्टेडियम स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडलायुक्त व जिलाधिकारी ने टीका लगवाने आए किशोर किशोरियों को होम्योपैथिक दवा किट भी प्रदान की। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने भी किशोर किशोरियों को होम्योपैथिक दवा किट वितरित की। इसके साथ ही केंद्र पर कोविड टीका लगवाने आए किशोरों से उनका हाल भी जाना। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किशोरों से अपील की कि वह अपने मित्रों को भी जल्द से जल्द कोविड टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आयुष मंत्रालय की ओर से कोरोना से बचाव के लिए होम्योपैथिक किट वितरण करने का निर्देश जारी किया गया था। इसी क्रम में सिगरा स्टेडियम स्थित कोविड वितरण केंद्र पर शनिवार से किट का वितरण शुरू किया गया है। केंद्र पर 600 से अधिक लोगों को किट वितरित की गई। दवा प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक वितरित की जाएगी। कुछ दिनों में और भी टीकाकरण केंद्रों पर यह किट वितरित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि यह दवा किशोरों के साथ वयस्कों को भी दी जा रही है। इन दवाओं से खराश, बदन दर्द, सिरदर्द, मुंह सूखने, कमर दर्द, पैरों में दर्द, बेचैनी, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, खांसी, बुखार आदि से राहत मिलेगी। डॉक्टर मनीष ने बताया कि होम्योपैथिक दवा किट में 4 प्रकार की दवाएं वितरित की जा रही हैं। पहली इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 लाल ढक्कन, यह दवा प्रतिदिन 4 गोली सिर्फ 3 दिन तक दी जानी है। दूसरी गले में खराश, बदन दर्द, सिरदर्द और मुंह सूखने के लिए ब्रायोनिया एल्बम 30 पीला ढक्कन, यह दवा प्रतिदिन 4 गोली 3 बार रोज आराम मिलने तक दी जानी है। तीसरा मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द और बेचैनी के लिए रस टॉक्स 30, यह दवा प्रतिदिन 4 गोली 3 बार रोज आराम मिलने तक दी जानी है। चौथी हड्डियों और जोड़ों में दर्द, खांसी और बदन बुखार के लिए यूपिटोरियम पर 30, यह दवा प्रतिदिन 4 गोली 3 बार रोज आराम मिलने तक दी जानी है। उन्होंने बताया कि कोविड से मिलते जुलते लक्षण होने और तकलीफ बढ़ने पर अपने निकटतम चिकित्सक से अनिवार्य रूप से संपर्क करें। इस मौके पर ACMO डॉक्टर AK मौर्य, DHIO हरिवंश यादव, DHO डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, डॉक्टर रुद्रेश्वर त्रिपाठी, डॉक्टर दीपक सिंह, यूनिसेफ से डॉक्टर शाहिद एवं अन्य लोग मौजूद थे। इस किट में 4 दवाएं हैं, जिसमें आर्सेनिक और ब्रायनिया, एप्टोरियम पर और राष्ट्रक्स, ये 4 दवाएं इसमें वितरित की जा रही हैं। हाँ, जो कोविड से सफ़र कर रहा है उसमें ये 3 दवाएं कामन हैं, जैसे राष्ट्रक्स, ब्रायनिया, अगर खांसी है उसको और जुकाम है तो ब्रायनिया, राष्ट्रक्स और एप्टोरियम पर, अगर उसको दर्द भी हो रहा है तो ये दिया जा सकता है। और इसमें एक दवा आर्सेनिक एल्ब है, जो इम्यूनिटी के तौर पर है, इसको पिकासन के तौर पर स्वस्थ बॉडी को भी दिया जा सकता है 3 दिन तक लगातार। ये कैंप अभी कितना दिन तक चलाया जाएगा? ये कैंप हमारे पास दवाएं चूँकि उपलब्ध काफ़ी मात्रा में हैं, लगभग 20 दिन तक कैंप चल सकता है। हमें अनुभव है कि पहले की तुलना में अभी जो है कि ज़्यादा लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, और जब से ये किशोर का जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है तब से उनकी संख्या में, सभी प्रकार के वैक्सीनेशन लगाने वाले बेनिफिशियरी संख्या में वृद्धि हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? यही संदेश है हमारे तरफ से और सभी जो सरकार की सारी टीमें काम कर रही हैं उसके माध्यम से, कि सभी लोग जो लोग भी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लगवाए हैं जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगवाएँ, और इस तरह की बीमारी से अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन लगवाएं जितना अधिक हो सके, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। मकर संक्रांति पर सोनारपुरा स्थित श्री गौरी केदारेश्वर महादेव का प्राकट्योत्सव मनाया गया। मकर संक्रांति पर सोनारपुरा स्थित श्री गौरी केदारेश्वर महादेव का प्राकट्योत्सव मनाया गया। इस अवसर पर पूरे परिसर को गुब्बारों, फल, फूल, लाइट सहित विभिन्न आकर्षक उपकरणों से सजाया गया। मंदिर के महंत पंडित आनंद प्रकाश दुबे पप्पू गुरु ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए प्राकट्योत्सव मनाया गया है, जहाँ बाबा को विभिन्न व्यंजनों के साथ खिचड़ी का भोग लगाया गया, साथ ही भक्तों में वितरित भी हुआ। पप्पू गुरु का कहना है कि मकर संक्रांति के दिन श्री राम के पूर्वज राज ऋषि मानधाता को वरदान के अनुसार बाबा काशी में प्रकट हुए थे, उसी के उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जाता है, जहां शिव पुराण सहित अन्य पुराणों में वर्णन है कि मानधाता ने हिमालय पर दर्शन करने की कामना की थी, लेकिन वहां नहीं बल्कि काशी में इच्छा पूर्वक शिव ने वरदान दिया था। ऐसा ही मकर संक्रांति के दिन भोग लगा रहे थे और यह भोग 2 भागों में बांटते थे, जिसमें एक ब्राह्मण को और एक अपने लिए होता था। उसी दौरान खिचड़ी का भोग लगाया और कुछ देर बाद आंख खोली तो खिचड़ी पत्थर की हो गई, जिस पर उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, जिस पर बाबा ने दर्शन देकर कहा कि तुम्हारा मांगा हुआ वरदान पूरा हुआ।
इस शिवलिंग में एक हिस्सा पार्वती और दूसरे में मैं खुद विराजमान रहूंगा, जिस पर आधारित आज भी प्राकटोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर आशु बाबा, सोनू बाबा, राजा बाबा, बंटी बाबा, कृष्णा बाबा, राज सिंह सहित मंदिर के सदस्य एवं भक्तगण उपस्थित रहे। 30,000 लोग जो है दिन भर में केदारनाथ क्षेत्री, क्योंकि ये विश्वनाथ मंदिर तो है नहीं प्रधान, परंतु यहाँ जो क्षेत्रीय हमारे भक्तगण है ये विशेष आते हैं, और दूर दूर से तो आते हैं पर जो धर्म को मानते हैं, क्योंकि जो प्रधान मंदिर होता है वहाँ के लोग लिए भीड़ जुटती है, परंतु साइड सीन नहीं देखता, इसलिए कहीं भी। और ये बाबा गुप्त है, केदारेश्वर शुरू से धर्म कहता है कि ये गुप्त लिंग है, सब कोई प्रचारित नहीं करता, जो प्रचारित करता है उसको दिक्कत होता है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रही है सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट, वी आर प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ जेडीएसएल। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना रहे पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें, घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें, समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें, ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, दो गज की दूरी का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झाड़ू लगा रही महिला के साथ आदमपुर थाना क्षेत्र के मुकीमगंज में हुई तेल स्मोकिंग में लिप्त स्मोकर को गिरफ्तार किया गया। आदमपुर थाना क्षेत्र के मुकीमगंज में घर के सामने झाड़ू लगा रही महिला के साथ हुई चेन स्नेचिंग में लिप्त स्नेचर को आदमपुर पुलिस ने चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया स्नेचर शाहनवाज खान आदमपुर थाना क्षेत्र का ही निवासी है। उसके पास से एक देशी तमंचा भी बरामद हुआ है। इस संबंध में डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बताया कि आदमपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली रीना गुप्ता पत्नी राजेश गुप्ता निवासी मकान नंबर 4517R ने 14 जनवरी को थाने में तहरीर दी कि जब वो अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति उनके गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने लिखित तहरीर पर थाना आदमपुर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 2/2022 धारा 302 IPC पंजीकृत किया तथा घटना के खुलासे के लिए टीम गठित की, जिसके क्रम में 14 जनवरी को उप निरीक्षक अजय पाल, चौकी प्रभारी मछोदरी, सब इंस्पेक्टर राहुल रंजन, चौकी प्रभारी आदमपुर कांस्टेबल चंदन मौर्य व फैंटम चार के कर्मचारी हेड कांस्टेबल सत्यजीत व कांस्टेबल कमलेश राजभर के देखभाल में मकर संक्रांति शांति व्यवस्था ड्यूटी निगरानी संदिग्ध हेतु प्रहलाद घाट पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त शाहनवाज खान निवासी ए 25/38 सलेमपुरा थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 28 वर्ष को तेल गोदाम के बगल से सलेमपुरा की तरफ से जाने वाली गली कोयला बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया। मुकीमगंज की एक महिला के साथ कल प्रातः अपने घर के बाहर साफ सफाई कर रही थी तो एक लुटेरा आया और उनके गले से मंगलसूत्र जो है लूट लिया था, जिसके संबंध में तत्काल एक टीम गठित की गई थी और उस टीम ने जो है शाम को ही सफलता प्राप्त कर ली और लुटेरे को जो है गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की गई तो उसके कब्जे से लूटा गया मंगलसूत्र भी बरामद हुआ है और घटना में अकेले ही संलिप्त होना बताया गया है। इसका आपराधिक इतिहास संकलित किया जा रहा है और इसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 66वां जन्मदिवस मनाया गया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का 66वां जन्मदिन ककरमत्ता में पूर्व मंडल अध्यक्ष मेराज फारूकी जुग्गन एडवोकेट आवास पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया। चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यकर्ताओं द्वारा अपने घरों में
जन्मदिन मनाने का मायावती जी के निर्देश का पालन करते हुए जगह जगह केक काटकर जन्मदिन की बधाई दी गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह की बेरोजगारी, महंगाई, हत्या, लूट चरम पर है, आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेशवासियों ने अपना मन बना लिया है कि इस प्रदेश में सुशासन केवल मायावती जी ही ला सकती हैं। प्रदेश में जो भगोड़े इधर से उधर हो रहे हैं उसे जनता देख रही है, इन सब को सबक सिखाएगी। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि प्रदेश में पांचवीं बार सरकार बनाकर हम सब जन्मदिन का तोहफा बहन जी को देंगे। इस अवसर पर केक काटकर खुशियां मनाई गई। वक्ताओं में मिराज फारूकी जुग्गन, मुंशी राम सुमन, मोहन राजभर, अबू बकर, संतोष अनल, शमीम आजमी, फिरोज अहमद, पंचदेव आदि प्रमुख रहे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी का जन्मदिन, उन्हीं के निर्देश पर हम सब लोग, हमारे सारे कार्यकर्ता पूरे ज़िले में अलग अलग जगहों पर नाते उसी कड़ी में आज इस तरीके का नुकता हमने अपने आवास पर बहन जी का जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया और मनाया जा रहा है। शनिवार को सबसागर दवा मंडी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव का जन्मदिन मनाया गया। सप्तसागर दवा मंडी में शनिवार की सुबह सपा सुप्रीमो व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान डिंपल यादव के समर्थकों ने केक काटा और जरूरतमंदों में कंबल वितरण किया। इस दौरान समर्थक राजू यादव ने कहा कि आज हम सभी ने डिंपल यादव जी का जन्मदिन मनाया है। मौजूद समर्थकों ने केक काटकर डिंपल यादव को प्रतीकात्मक रूप से खिलाया। इसके बाद 50 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को कंबल वितरित किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की धर्मपत्नी, कन्नौज की पूर्व सांसद, महिलाओं की आवाज़ आदरणीय डिंपल यादव जी के 44वें जन्मदिन पर आज हम लोगों ने उनका केक काटकर गरीबों में, मजलूमों में कंबल बांटकर उनका जन्मदिन मनाया है। और साथ ही बाबा विश्वनाथ मानपूर्णा और का बाबा काल भैरव से प्रार्थना किया है कि हमारी नेता आदरणीय डिंपल यादव को दीर्घायु दे, उनकी लंबी उम्र की कामना किया है। युवा बनारस काशी की अनन्य युवा प्रतिभाओं के संगीत समारोह के द्वितीय निशा में प्रसिद्ध तबला वादक शुभ महाराज के तबले की जादुई थाप गूंजी। रूपवाणी संस्था द्वारा आयोजित युवा बनारस काशी की अनन्य युवा प्रतिभाओं का संगीत समारोह के दूसरे दिन पद्मभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी के शिष्य, देश के जाने माने तबला वादक पंडित शुभ महाराज ने एकल तबला वादन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। धमार ताल जैसे कठिन ताल पर बनारस के प्रसिद्ध उठान, पराल, भंवर, ट्रेला इत्यादि बजाने के पश्चात कठिन लयकारियों और बनारस के उपज के तबले को बजाकर शुभ ने अपने मानसिक तकनीक का ऐसा प्रदर्शन किया कि दर्शक गण ऐसे अद्भुत कार्यक्रम में खोते चले गए। इनके साथ हारमोनियम पर देश के जाने माने कलाकार पंडित धर्मनाथ मिश्र ने कुशल संगत किया। संचालन सौरभ चक्रवर्ती और व्योमेश शुक्ला ने किया। पंडित शुभ महाराज के एकल वादन के पश्चात मंच संभाला देश के जाने माने युगल गायक राहुल और रोहित मिश्रा ने। उन्होंने राग मारवा में विलंबित की रचना की, उसके पश्चात द्रुत लय में बंदिश गाया। इसके पश्चात उन्होंने अपने गुरु पद्मभूषण स्वर्गीय श्रीमती गिरिजा देवी जी द्वारा सिखाए गए ठुमरी और टप्पा की बेहतरीन प्रस्तुति की। उन्होंने अपने कार्यक्रम का समापन दादरा से किया। इनके साथ तबले पर पंडित आनंद मिश्रा और हारमोनियम पर जाने माने हारमोनियम वादक पंडित धर्मनाथ मिश्र जी ने संगत किया। रंगकर्मी के तौर पर कि हमारा नाटक जिन परंपराओं से पोषण हासिल करता है, अपना जीव द्रव्य, अपनी अपना उत्तराधिकार, उसमें बनारस का संगीत सबसे ऊपर है। बनारस का संगीत हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता की जगह पर है और मेरे ख्याल से बनारस की वो प्रतिभाएं, वो चमकदार, मेहनतकश, अपने रियाज और गुरुओं के आशीर्वाद के दम पर पूरे देश में नक्षत्र की तरह चमकती प्रतिभाएं, उनको एक साथ अगर देखा सुना जाए तो बनारस घराने का जो एक पूरा पर्सपेक्टिव है, बनारस के गाने बजाने का, यहाँ के संगीत का, यहाँ के कथक नृत्य का, उसे उपलब्ध किया जा सकता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।